नमस्कार दोस्तों, मैं हूं गौरव। स्वागत है आपका मेरे एक नई वीडियो में। और आज इस वीडियो में आपको इंश्योरेंस के बारे में बताने वाला हूं। जैसा कि आपने वीडियो का टाइटल और थंबनेल दोनों देख चुके हैं कि मैं आज इस वीडियो में बात करने वाला हूं इंश्योरेंस की। अगर आपकी गाड़ी 7 साल पुरानी है और आपकी गाड़ी में कुछ नुकसान होता है तो इंश्योरेंस उसका कितना परसेंट क्लेम देती है, और मैं आपको इस क्लेम का प्रूफ भी दिखाऊंगा कि मुझे इंश्योरेंस से कितना मिला है। और मैंने अपनी गाड़ी का विंडशील्ड का काम कराया था, मतलब विंडशील्ड रिप्लेस करवाई थी क्योंकि वो टूट चुकी थी। तो अब मैं इस वीडियो का स्टार्ट करता हूँ कि किस तरह क्या क्या काम करवाना पड़ा मुझे और किस तरह इंश्योरेंस वालों के चक्कर काटने पड़े। तो चलिए शुरुआत करते हैं वीडियो का। और सबसे पहले मैं बता दूं कि मेरी गाड़ी का विंडशील्ड 9 दिसंबर 2020 को टूटी थी। तो तुरंत मैंने इंश्योरेंस वालों को फोन लगाया, उन्होंने कहा कि आप आगे फॉर्म भर दो। हमने फॉर्म भर दिया इंश्योरेंस ऑफिस जाके, और फॉर्म भरने के बाद उन्होंने कहा कि अगर आपकी गाड़ी में जितना एस्टीमेट बिल आता है, खर्चा आता है, उसका प्रूफ दे देना, मतलब कोटेशन दे देना। फिर उन्होंने गाड़ी का सर्वे किया इंश्योरेंस ऑफिस में। फिर हमने गाड़ी को रख दिया सर्विस सेंटर में कि गाड़ी का काम हो जाएगा। 3 दिन बाद हमारी गाड़ी का काम हुआ। फिर हमने उनको फिर फोन लगाया कि अब आगे क्या करना। उन्होंने कहा कि गाड़ी की बिल की फोटो भेज दीजिए और गाड़ी में जो जो काम हुआ है उसकी फोटो भेज दो प्रूफ के लिए। तो हमने वो भेज दिया। फिर हमने पूछा कि इंश्योरेंस आने में, क्लेम मिलने में कितना टाइम लगेगा। उन्होंने कहा कि लगभग 10 से 15 दिन लग जाएंगे क्लेम मिलने में। तो फिर हमने कहा ठीक है, 10 से 15 दिन में देखते हैं। फिर लेकिन उनका इंश्योरेंस से क्लेम आने में लगभग मुझे 2 महीने लग गए। और 2 महीने इसलिए लग गए क्योंकि उस टाइम इंश्योरेंस वालों का ट्रांसफर चल रहा था, तो मैनेजर चेंज हो रहे थे। फिर हमने कम से कम 10 से 15 बार फोन लगाया उनको। उनका हर बार ये कहना था कि 10 से 15 दिन में मिल जाएगा, 10 से 15 दिन में मिल जाएगा। लेकिन आखिरी में जब हमने फिर आखिरी में फोन लगाया कि आपको इंश्योरेंस का क्लेम देना है या नहीं देना, उन्होंने फिर रीजन बताया कि हमारे यहाँ ऐसी प्रॉब्लम चल रही है अभी, तो मैनेजर चेंज हो रहे हैं और आपका केस पता नहीं किसके हाथ में लगेगा, इसलिए 4 से 5 दिन का टाइम लगेगा और तब जाके आपका क्लेम मिल जाएगा। हमने कहा ठीक है, 4 से 5 दिन और वेट कर लेते हैं। वेट करने के बाद हमारे पास सुबह मैसेज आया 4 बजे कि आपके अकाउंट में इतना मनी ट्रांसफर किया गया है ओरिएंटल इंश्योरेंस की तरफ से। वो मैसेज आपको लेफ्ट साइड स्क्रीन में दिख रहा होगा। और मेरी विंडशील्ड रिपेयर कराने का टोटल खर्चा जो था 5500 था, और मैंने गाड़ी के कुछ बाहरी काम भी कराए थे, लेकिन जो अमाउंट मुझे इंश्योरेंस से मिली विंडशील्ड के लिए सिर्फ 5500 रुपए लगे थे, और 5500 में से मुझे सिर्फ 3290 का अमाउंट आया, क्लेम मिला। और ये लगभग 60% है जो कि 7 साल पुरानी गाड़ी के लिए ठीक है, और इससे ज़्यादा मुझे उम्मीद भी नहीं थी कि इससे ज़्यादा मिलेगा, फिर भी ये लगभग 60% के आसपास है। और जो मेरा इंश्योरेंस था वो ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी थी, और यही शायद मेरा पहला एक्सपीरियंस था इंश्योरेंस क्लेम के बारे में। अगर आप भी चाह रहे हैं कि अगर आपकी गाड़ी का कुछ नुकसान हुआ हो और आपको ज़्यादा लागत ना लगानी पड़े अपनी गाड़ी सुधरवाने के लिए, तो आपका फर्स्ट पार्टी इंश्योरेंस होना ज़रूरी है। और अगर मैं शायद कोई और गाड़ी का, मतलब कोई और काम कराता, तो उसके लिए मुझे अमाउंट बहुत कम मिलता, और जो मुझे विंडशील्ड के लिए मिला है वो 60% मिला है, जो कि मेरे लिए ठीक है। मुझे अपनी जेब से लगभग 2000 रुपये लगाने पड़े, 2000 से ज़्यादा ही लगाने पड़े। एक बात बताना और भूल गया मैं कि अगर ये वीडियो डिलीट होती है तो शायद ये इसलिए होगी क्योंकि इंश्योरेंस का मैं अमाउंट डिस्क्लोज कर रहा हूँ आपके सामने, जो कि शायद गाइडलाइन के हिसाब से सही नहीं है, और मुझे भी नहीं पता कि ये डिस्क्लोज करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। अगर ये वीडियो डिलीट होती है तो आप समझ जाना कि इंश्योरेंस वालों की तरफ से ही डिलीट कराई गई है। तो अब मैं वीडियो का एंड यहीं पर कर रहा हूँ। अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, वीडियो को लाइक जरूर कर लेना और वीडियो को शेयर जरूर कर लेना। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।